हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक रिकॉर्ड ओपन है और इस टेबल का नाम मैंने रखा है कस्टमर टी। ठीक है, और हमारे एक व्यूअर हैं विकास शर्मा, जिनका ये कहना है कि कुछ इस तरह का बटन हम बनाएं जिससे कि हमें रिलेटेड कस्टमर या रिलेटेड स्टूडेंट की पूरी डिटेल खोल करके हमारे सामने आ जाए। तो वही काम मैं करके दिखाऊंगा आपको। पहले ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है शो फुल डिटेल, इनकी पूरी डिटेल आपके सामने होगी। ठीक है, ये कस्टमर आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, इनमें थ्री डिटेल्स बस आपको शो कर रही हैं। अब यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे शो फुल डिटेल पर, तो ये देख पाएंगे कि इनकी जो कस्टमर आईडी 20 है, ये रहने वाले हैं बिहार के और बिहार में पटना के रहने वाले हैं, और इनकी कॉन्टेक्ट आईडी जो है वो 2 है। तो ये इस तरह का पूरा डिटेल कैसे शो होगा ये बताने वाला हूं। और रिक्वेस्ट काफी दिनों से ये पेंडिंग पड़ी हुई थी, तो आज इस पर मैं काम कर रहा हूं। और इसके बाद एक और वीडियो रिलीज होगी जिसमें आप रिपोर्ट भी डिजाइन करेंगे और रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू योर विश, यानी जिस कस्टमर की रिपोर्ट आप देखना चाहेंगे उसी कस्टमर की रिपोर्ट आप देख पाएंगे, ऐसा कुछ करके मैं दिखाने वाला हूं इसके बाद वाली वीडियो में। अभी की वीडियो में ये कैसे हम करेंगे, यहाँ पर ये जो हमने किया है ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये तो कस्टमर आईडी 20 है। ठीक है, अगर आपको कस्टमर आईडी 30 यानी रिंकी सिंह, इनका पूरा डिटेल देखना है तो यहाँ स्टोर डिटेल पे जाइए और ये रिंकी सिंह की पूरी डिटेल, कस्टमर आईडी 30 है इनकी, कॉन्टेक्ट आईडी 3 है और एमपी की रहने वाली है, भोपाल की, तो ये पूरा डिटेल खुल करके आ जाएगा। ये बनाना मैं सिखाने वाला हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां से फाइल पे जाएंगे और यहां से एक न्यू डेटाबेस चूज करेंगे, ब्लैंक डेटाबेस। तो यहां से चूज कर लिया हमने, क्रिएट पे क्लिक कर दिया, एक ब्लैंक डेटाबेस हमारे सामने आ चुका है। इसके बाद हमें व्यू पे क्लिक करना है और डेटा शीट व्यू नहीं बल्कि डिजाइन व्यू पे आ जाना है। यहां पर इसको मैं नाम देता हूं कस्टमर टी, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। एंटर प्रेस किया, यहां पर इस तरह का सिनेरियो यानी कि डिजाइन व्यू वाला सिनेरियो ओपन हो गया है। यहां पर मैं लिखता हूं कस्टमर आईडी, ठीक है, लिख दिया। इसको मैं रखूंगा नंबर डेटा टाइप, ठीक है, यहां से रख लिया हमने इसे नंबर डेटा टाइप। मैं यहां पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2016 वर्जन यूज कर रहा हूं। काम करने का तरीका हालांकि लगभग सब में एक ही जैसा है, लेकिन 2007 यानी 2007 के बाद के वर्जन हो तो ज्यादा बेहतर। चलिए यहां पर लिखता हूं मैं फर्स्ट नेम, आपका रिकॉर्ड जैसा हो आप वैसे ही एंटर करा सकते हैं, फर्स्ट नेम लिख दिया और फर्स्ट नेम जो है शॉर्ट टेक्स्ट रख देता हूं और अब लास्ट नेम ये कर दिया हमने और यहां पर भी शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे। इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद इसमें कुछ और भी डेटा अगर आप फिल करना चाहते हो, फादर्स नेम वगैरह वगैरह, तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज यहां से व्यू पे क्लिक कर दें और यहां से यस प्रेस कर दें। ठीक है, और अब यहां पर वो डिटेल हमें डालनी है, तो यहां पर कस्टमर आईडी 10 रखता हूं मैं। ठीक है, फर्स्ट नेम में रख दिया मैंने राम और लास्ट नेम में रख दिया सिंह, तो राम सिंह रख दिया इसमें। और अब यहां पे कस्टमर आईडी 20 हो जाएगी और इनका नाम है अंकित चौहान। ठीक है, और यहां पर कस्टमर आईडी 30 हो जाएगी और यहां पे राजेश कुमार और यहां पर कस्टमर आईडी 40 हो जाएगी और यहां पर आर्यन अग्रवाल। ठीक है, ये लिख लिया हमने और यहां से इस पर क्लिक कर दिया ताकि ये सेव हो जाए, सेव भी कर दिया हमने। अब हमको यहां से क्रिएट पर क्लिक करना है और क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहां से टेबल पर क्लिक करना है ताकि हम एक और टेबल बना सकें। इस टेबल को क्या नाम देंगे हम, कॉन्टेक्ट आईडी, आपको जो देना है दे सकते हैं, कॉन्टेक्ट टी कर देता हूं, टेबल टी, कॉन्टेक्ट टी। ठीक है, एंटर प्रेस किया, अब यहां पर आ जाएगा कॉन्टेक्ट आईडी, कॉन्टेक्ट आईडी, ओके, ऑटो नंबर रखता हूं इसको और यहां से आएगा कस्टमर आईडी, क्योंकि कस्टमर आईडी इसमें फॉरेन की बन गई है, फॉरेन की यानी ये प्राइमरी की नहीं है। ठीक है, और इसको रखेंगे हम नंबर डेटा टाइप जैसा कि हमने
कॉन्टेक्टी वाले टेबल में रखा है, ठीक है। और यहां पर आएगा सिटी, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट रख दिया हमने सिटी को, और यहाँ पे कर देता हूँ अब स्टेट। आप सिटी या स्टेट, स्टेट को ऊपर ही रख सकते हैं, यहाँ पे स्टेट कर देता हूँ, यहाँ पे स्टेट। और यहाँ से व्यू पे क्लिक करें और यहाँ से ओके प्रेस करें तो ये इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा, आप देख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर कस्टमर आईडी हमारी 10 होगी, ठीक है, और कॉन्टेक्ट आईडी तो ऑटो नंबर रखा तो अपने आप आएगी। तो यहाँ मैंने रख दिया देवरिया और यहां पर स्टेट रख दिया यूपी, ठीक है। अब फिर आएंगे नेक्स्ट रिकॉर्ड पे, तो यहां पर अपने आप आ जाएगा 2 और यहां पर 20 रख देंगे और यहां पे सिटी रख देंगे गोरखपुर और स्टेट रख देंगे यूपी, यहां पर 30 आ जाएगा, यहां पे सिटी हो जाएगी पटना और स्टेट हो जाएगा बिहार, यहां पर 40 हो जाएगा और भोपाल हो जाएगी सिटी और स्टेट जो है वो हो जाएगा एमपी, ठीक है। और यहां से अब इसको सेव कर लेता हूं, अब इन दोनों को ऑफ करता हूं यहां से। ऑफ करने के बाद हमें क्रिएट पे जाना है। अब हमको ये जो कस्टमर टी है इसके लिए एक फॉर्म बनाना है, तो यहाँ फॉर्म पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली फॉर्म डिजाइन हो जाएगा और यहाँ से डिजाइन व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर रख करके इसको, ठीक है, और यहाँ से इसको थोड़ा नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर चाहे तो हम इसको डिजाइन में जा करके और ये कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां से बटन लेना है, ठीक है। पहले हम इसको सेव करेंगे, तो यहां से इसको कस्टमर टी है कस्टमर एफ कर देते हैं, फॉर्म है तो कस्टमर एफ कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया तो ये सेव हो गया। अब यहां पर अगर क्लिक करेंगे तो यहां फॉर्म दिखेगा हमें और ये पहला रिकॉर्ड है, ये दूसरा रिकॉर्ड है, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये चार ही रिकॉर्ड है हमारे पास। अब हम इसको क्लोज करते हैं और अब चलते हैं हम वापस कहाँ, कॉन्टेक्ट टी पर, और कॉन्टेक्ट टी के लिए फॉर्म डिजाइन करते हैं। यहां से फॉर्म पे क्लिक करना है, डायरेक्टली फॉर्म डिजाइन हो जाएगा, यहां से क्लिक करेंगे डिजाइन पर और ये इसको थोड़ा नीचे ड्रैग करेंगे, यहां से इन सबको थोड़ा थोड़ा छोटा कर लेंगे हम, तो क्लिक करेंगे और ये छोटा कर लिया हमने, ठीक है, और यहां से इसको सेव कर लिया। तो यहां पर आ रहा है कॉन्टेक्ट टी, तो एफ कर देंगे चूंकि फॉर्म है तो एफ कर दिया हमने, ठीक है। अब यहां से नीचे आ जाइए, यहां पे कॉन्टेक्ट है और ये कस्टमर है, तो कस्टमर एफ पे आ जाइए, यहां से व्यू पे आ जाइए और व्यू पे आने के बाद यहां पे हमें बटन्स क्रिएट करने हैं, तो यहां से आ जाएंगे डिजाइन पर और ये हमारा बटन वाला है, तो यहां पे क्लिक किया हमने और यहां से ड्रैग करवाइए इसको, बस ड्रैग करवाया हमने। ड्रैग करवाने के बाद आपको जाना है फॉर्म ऑपरेशन पे और यहां से आना है फॉर्म, ओपन फॉर्म पे, यहां पे क्लिक कीजिए, ये कॉन्टेक्ट फॉर्म है, ठीक है, और ये कस्टमर फॉर्म है, ये यहां पे दोनों दिखाई पड़ रहे हैं और यहां पे कॉन्टेक्ट फॉर्म लेकर और ओपन अ स्पेसिफिक डाटा टू डिस्प्ले इस पे क्लिक कर दीजिए और यहां से देख सकते हैं एक कस्टमर फॉर्म और एक कॉन्टेक्ट फॉर्म आपको दिखाई पड़ेगा। कस्टमर आईडी यहां से भी, कस्टमर आईडी यहां से भी चूज करके और यहां पर क्लिक कर दें और यहां से नेक्स्ट पे क्लिक करें और यहां से टेक्स्ट ले लीजिए, यहां पर मैं लिखता हूं ओपन रिलेटेड रिकॉर्ड, ओके, ये लिख दिया हमने, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और यहां से फिनिश पे क्लिक कीजिए, बस आपका काम हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको सेव करना है, सेव कर दिया, यहां पे देख सकते हैं ओपन रिलेटेड रिकॉर्ड का बटन बन चुका है, ठीक है। अब आपको जो भी, इसको पहले क्लोज कर लेता हूं यहां से, ये क्लोज कर लिया हमने, ये क्लोज कर लिया। अब यहां पे कस्टमर एफ पे जाना है। अब मान लीजिए कि ये जो 10 नंबर का कस्टमर आईडी है इसका रिलेटेड रिकॉर्ड ओपन करना है कि किस सिटी किस स्टेट के हैं और इनकी कॉन्टेक्ट आईडी क्या है, ठीक है, तो यहां पर क्लिक करिए। तो ये जो है कॉन्टेक्ट आईडी 1, कस्टमर आईडी 10 और देवरिया के रहने वाले और यूपी के रहने वाले हैं, ये इसमें पता चल रहा है। चलिए इसको क्लोज करता हूं,
अब सपोज कीजिए कि कस्टमर आईडी 20 इनका हमें जानना है, तो यहां पर ओपन रिलेटेड रिकॉर्ड पर क्लिक कीजिए। अब कस्टमर आईडी 20 का पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहां से अब यहां पे 30 वाले का रिकॉर्ड हमें देखना है, तो ये देखिए 30 वाले का पूरा रिकॉर्ड आपके सामने आ जा रहा है। तो इस तरह से करके आप ओपन अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड का बटन बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।